किसान भाइयों राम राम नमस्कार। हरियाणा के हिसार के मुंडाल गांव के खेतों में हूँ और खेतों में किसान ने ये जापानी मशीनों का स्टॉक लगा रखा है। जापानी टेक्नोलॉजी के ये हार्वेस्टर हैं। धान की कटाई करनी हो या आपको गेहूं की फसल की कटाई करनी हो, आप देख सकते हैं मेरे आसपास चारों तरफ ये बहुत बड़ी संख्या में ये हार्वेस्टर हैं और ये हार्वेस्टर बहुत ही गजब के होने वाले हैं। भारत में पहली बार 7 रो वाले हार्वेस्टर हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही सस्ते दाम पर ये आपको उपलब्ध होने वाले हैं। और इस फर्म के मालिक मेरे साथ भाई मौजूद हैं, किसान के बेटे हैं और किसान के बेटे ने जापान में जाकर के इन मशीनों की बारीकी समझी और इस बारीकी को समझ करके सबसे पहले अपने खेतों में मशीन मंगाई, उसके बाद ये आप सभी किसानों के लिए ये मशीनें उपलब्ध हैं, ढेर सारी मशीनें जो मशीनें धूम मचा रही हैं पूरे हिंदुस्तान में। और नया ट्रेंड आया है फसलों की कटाई और गाही का, किस तरह से मशीनें आपको उपलब्ध हो सकती हैं, क्या इनके काम है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, लिंक साथियों में जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक जो फॉरवर्ड किसान हैं, जो अग्रिम पंक्ति के किसान हैं, उनको इसकी जानकारी हो सके। भाई मेरे साथ मौजूद हैं। जी भाई नमस्कार दर्शकों की ओर से। जी भाई साहब शुभ नाम क्या है और ये किस तरह की मशीनें, थोड़ा सा बताइए क्या लाभ हमारे किसानों को मिल सकता है इन मशीनों के द्वारा। जी मेरा नाम दीपक है और ये है जापानीज हाफ फीड मशीन। हाफ फीड मशीन है तो भाई साहब ये बताइए कि आपका शुभ नाम दीपक है जी। दीपक जी आपने पहले बताइए इतना सारा स्टॉक ये खेतों में लगा रखा है तो ये कैसे सोचा आपने, कैसे किया और किस तरह से ये मशीन लाभ दे रही है? स्टार्टिंग में मैं मेरे पर्सनल यूज के लिए लेके आया था 2-3 पीस जी जी जी, और मैंने इनको 2 साल यूज किया जी जी, उनके रिजल्ट बड़े अच्छे रहे जी। उसके बाद हमने इसको व्यवसाय में बदल दिया। अच्छा अच्छा। हाँ अब ये मशीन हम देख रहे हैं बहुत सारी, किसी में 4 रो है, किसी में 5 रो है, 6 रो है, 7 रो है, तो बिल्कुल ये न्यूली मेड मशीन है या थोड़ा सा वर्क की करने वाली मशीन है या किस तरह की मशीन है, थोड़ा सा बताइए। मेड इन जापान मशीन है और सेकंड हैंड मशीन है, यूज होती है। अच्छा कितनी यूज होती है? लेकिन बहुत ही कम चली हुई मशीन है, कोई 500 घंटे चली हुई है, कोई 700 घंटे चली हुई है, कोई 1000 घंटे, बस इतनी चली हुई मशीन है। अच्छा अच्छा। ये पार्ट्स वगैरह बहुत सारी, जैसे विदेशी मशीनें हैं तो इनके पार्ट्स मिलने में दिक्कत होती है? हमारे पास सभी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी रहती है। आप एक बार ना पार्ट स्टोर रूम के ऊपर भी थोड़ा सा कैमरा घुमाइएगा जी जी जी, लोग देख भी पाएंगे। अच्छा स्टोर रूम में यानी कि आपके पास सब कुछ मशीनों के पार्ट्स उपलब्ध होते हैं तो पार्ट्स हैं और स्पेशली जापान से ट्रेंड हमारे पास इनके टेक्नीशियन है और मैकेनिकल इंजीनियर हमारे पास। अच्छा किसान भाई यदि इसको चलाना चाहें खेतों में काम करना चाहें तो क्या कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था? बिल्कुल भाई साहब, जो मशीन हम सेल करते हैं, जो किसान भाई हमसे लेके जाता है मशीन, हम उसको एक दिन के लिए ऑपरेटर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, वो उसको अच्छा। क्या करेगा, एक दिन में चला के दिखाएगा, साथ में उनको ट्रेनिंग देगा जी जी जी। ये बड़ी इजी टू ऑपरेट है, बड़ी अच्छा, सिंपल अच्छा, मशीन है। तो ये गीले खेत में भी हम देख रहे हैं, इसमें जो है लगी हुई है ये बेल्ट पर ये चलती है मशीन, ये ट्रैक पे चलती है, ये सूखे में भी चलेगी और गीले में भी चलेगी, दलदल में भी चलेगी, हर जगह चलेगी। तो ये धान के खेतों में जब पानी भर जाता है, गीले खेत होते हैं तो फसल की कटाई करनी होती है, तो ये गीले में भी बखूबी काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी। अच्छा इसकी जो है ये रो का मतलब कितना, कितनी रो में कितना इसका कटर बार कितना होता है? साइज होता है, जैसे 4 रो का 5 फीट का कटर होता है। अच्छा 5 रो का 6 फीट का होता है और 7 रो का 8 फीट का, जैसे 7 रो में है, सबसे बड़ा साइज 3, 4, 5, 6 7 रो में है, 7 रो में है, सबसे बड़ा 8 फीट का कटर है, 8 फीट का कटर बार है। अब उन अगले वाले 5 रो में वो 6 फीट का कटर है उसका। अच्छा उसका 6 फीट का कटर हाँ है। बाकी इसका इंजन कितनी क्षमता का होता है? इंजन हर मशीन का अलग होता है, जैसे इसका 75 HP का है, इसका 120 HP का है। अच्छा अच्छा। और ये 6 रो वाली इसका 98 HP का है। अच्छा अच्छा। 4 रो वाली मशीन भी आपके पास? 4 रो वाली देखो, ये वो आगे पीछे खड़ी है। अच्छा ये वाली मशीन हम 4 रो वाली देख रहे हैं, इसका 47 HP का, 47 HP का, 47 HP, ये 95 HP है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसकी इसकी जो कटाई है, इसकी मशीन की जो निकासी है फसल की, वो किस क्या उसकी खास बात क्या है? जो हार्वेस्टर अपने इंडिया में बनते हैं और पंजाब में बनते हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जैसे ये हाफ फीड मशीन है, क्या करती है, जैसे बाली बाली को अंदर लेती है। अच्छा अच्छा। उससे क्या, एक तो धान टूटता नहीं है। अच्छा। और दूसरा क्या होता है, जो पराली बचती है ना पीछे, लाइन लगा देती है पराली की, उसकी लाइन लगा देती है, उससे क्या वो उठ जाती है और वो सेल हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके गट्ठा बंडल बन जाते हैं, वो राजस्थान वगैरह में जाती है, चारे में कटती है और सेल हो जाती है। किसान भाइयों सबसे बड़ी खास बात इस जापानी मशीनों के हार्वेस्टर की ये है, उससे आप ये मशीन कटर बार इसका जमीन से लगा हुआ है, बिल्कुल जमीन की सतह से फसल की कटाई करेगा ये, और ऊपर बाली बाली को ले जाएगा, 3-4 उंगल ऊपर से काटेगी, 3-4 इंच से ऊपर, 3-4 उंगल। हाँ उसमें क्या होगा, जैसे किसान की जुताई करना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है।
अभी सरकार ने क्या कर दिया कि पराली जलाने पे बैन लगा रखा है जी, जी 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 तो ये पराली तो इसकी उठ गई जी, उन्होंने उठा ली और ये तीन चार उंगली से ऊपर से काट दिया इन्होंने, तो इसको जुताई करना बड़ा ही आसान हो जाता है खेतों में इसके, और वो पराली को जो हम बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं, तो काफी उससे लाभ होगा किसानों को। बिल्कुल। तो ये जो एक घंटे में इसका जो छोटा वाला इंजन है, जैसे हम चार रू वाला देख रहे हैं आपका 47 HP का इंजन है, इसका डीजल कंजप्शन क्या रहेगा? डीजल कंजप्शन का देखो मैं आपको समझाता हूँ एकड़ के हिसाब से। जी जी जी। पर एकड़ के हिसाब से 7 लीटर से 9 लीटर तक लेगी, वो डिपेंड करता है कि खेत में फसल कितनी कमजोर है, कितनी घनी है, कितनी है, दूर है। जी, और ड्राइवर की कैपेसिटी के ऊपर भी करता है, किस चलाने के ऊपर। तो पार्ट्स उपलब्ध मिलेंगे, ट्रेनिंग आप देंगे, ट्रेनिंग हम देंगे, और देश भर में सप्लाई है आप? बिल्कुल, ऑल ओवर पैन इंडिया सप्लाई है। और दूसरी बात, एक बार कंप्लीट रिपेयर करके देंगे। अच्छा, बिल्कुल यहाँ से ट्राई कर। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, अब बात ये रही डीजल का, बता दिया 8 से 7 से लेकर 9 लीटर तक डीजल एक घंटे में लेगी। कटाई कितना कर देगी? ये जो ये साइज अपना 6 रो वाला है जी, ये लगभग 40 मिनट में एक एकड़ काट देगा। 40 मिनट में एक एकड़ 6 रो वाला। अब बात भाई साहब कीमत की हम करते हैं, कीमत क्या रहेगी? कीमत देखो हर मशीन की अलग अलग होती है, जैसे उदाहरण के तौर पे ये नॉन एसी कैबिन है। अच्छा, नॉन एसी की अलग रहेगी, एसी की अलग रहेगी। अच्छा, 5 रो है, 5 रो की अलग रहेगी, 6 रो की अलग रहेगी, 7 की अलग रहेगी, ये इसके हिसाब से ऊपर नीचे होगी कीमत। अच्छा, एसी मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ आपको, जैसे कीमत हमारे पास 10 लाख से स्टार्ट हो जाती है मशीनें। अच्छा, और अप टू 30 लाख तक हमारे पास मशीनें हैं। अच्छा अच्छा, 10 लाख से लेकर के 30 लाख तक ये मशीनें उपलब्ध हैं। हाँ। अच्छा, और कोई खास बात हमारे किसान भाइयों के लिए, क्या सर्विस आप किस तरह से देना चाहते हैं, किस तरह से मशीनों में इसमें जो मेंटेनेंस है वो, इसकी मेंटेनेंस की स्थिति क्या रहती है? इसमें क्या है कि जैसे हर मशीन में सेंसर लगे हुए होते हैं जी। अच्छा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा। जैसे यहाँ पे पुराली चलेगी, यहाँ से पुराली आएगी ना, ओवरलोड होएगा ना, तो यहाँ पे सेंसर है, ऑटोमेटिक कट मार देगी मशीन। अच्छा अच्छा, यहाँ पे पीछे सेंसर है, एग्जॉस्ट में पीछे सेंसर है, ये सेंसर देखो ये ऐसे, जैसे ओवरलोड होएगा ना तो ऐसे ऊपर उठेगा, ऊपर उठते मशीन ऑटोमेटिक कट मार देगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ब्रेकडाउन बहुत ही कम आता है मशीनों में, ना के बराबर ब्रेकडाउन आता है मशीनों में। मशीन ने कट मार दिया, उसके बाद फिर कैसे अपने आप ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, या उसको कुछ आगे पीछे करना पड़ेगा? उसको है ना, जो अगर मशीन चोक होगी ना तो चोक तो खोलना ही पड़ेगा, चोक खोलने के बाद दोबारा चालू हो जाएगी, दोबारा चालू हो जाएगी। हाँ। तो ये जब मशीन कट मारेगी, दोबारा चोक खोल के चालू करना पड़ेगा, तो उसमें दाने की कटाई या फसल की जो बिगड़ वो तो नहीं होगी? फसल नहीं, नहीं, जैसे चोक होगी, जैसे पराली को हमने यहाँ पे चोक होगी फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे, तो उसको पराली को नीचे रख लिया, जब मशीन स्टार्ट करी उस पराली को वापस यहाँ रख दिया, अपने आप अंदर ले जाएगी। एक आदमी बखूबी इसको ड्राइव कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता। लाइफ इसकी मशीन कितना? लाइफ तो देखो यूज करने के ऊपर है जी, आप 10 साल यूज करो, संभाल के रखो, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कराओ मशीन का, 10 साल चला लो आप, 10 साल तक मशीन बखूबी चलेगी। चलेगी, बिल्कुल चलेगी। तो अब ये बहुत सारी हार्वेस्टर यहाँ हमारे देश में हैं, पंजाब में हैं और कई प्रांतों में बन रहे हैं, तो ये इनमें और उनमें अंतर क्या है? अंतर देखो मैं बताता हूँ, लाइफ की और बात आ ही गई है, तो ये चीज देखो आप, इसके ऊपर देखो स्टील है जी। इंडिया में कहाँ स्टील यूज होता है, हर जगह स्टील है, ये स्टील है, स्टील है काफी जगह, तो स्टील है मशीन में। चेन वगैरह इसके जो है, चेन हार्ड टेम्पर्ड की लोहे की चैन होती है। अच्छा अच्छा, लेकिन काफी जगह स्टील होता है मशीन में, बहुत सारी जगह स्टील है। अच्छा, ताकि जंग नहीं, हाँ, जंग नहीं लगे। एमएस का बहुत कम है। अच्छा, एक अभी फसल आपकी ये जो मशीन है निकाल के आई, हम देख रहे हैं ये गेहूं की जो फसल। हाँ, ये अब की बार हमने इसके साथ गेहूं भी कटाई किया। अच्छा, गेहूं गेहूं की फसल काट के आया, गेहूं और धान दोनों काटेगी? अच्छा, दोनों ही काटेगी। हाँ, टंकी में पड़े हैं गेहूं अभी तक, क्योंकि घर के ही निकाले थे इससे हमने। अच्छा अच्छा, और टंकी भरी खड़ी है, बढ़िया साफ सुथरी। आप खोल के दिखा सकते हैं टंकी गेहूं की, बिल्कुल। अच्छा, इसमें टैंक जो अनाज जो है वो इसमें स्टोर होता रहेगा? हाँ, अनाज स्टोर होता रहेगा इसमें, और इसमें वो भी लगा हुआ है आपका, एलिवेटर भी लगा हुआ। हाँ, है ओगर सिस्टम है, ये ओगर वाला सिस्टम है पूरा। हाँ, इसमें जो है और जो अपनी दूसरी मशीन होती है उससे लंबा ओगर, आप देखो कितना लंबा ओगर है। जी जी जी, आप इसमें ट्रक में भी खड़े खड़े मशीन बराबर में खड़े करके ट्रक में डाल सकते, इतना ऊंचा ओगर है इसका। अच्छा अच्छा। तो किसान भाइयों, देखा सुना समझा ये मशीन आपको कैसे काम करती है ये भी हम आपको दिखा चुके हैं, और मशीन आप कैसे पा सकते हैं ये भी हम आपको बता चुके हैं, और मशीन स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं। और बढ़िया खेती किसानी आप यदि करना चाहते हैं, अच्छी ढंग से खेती करना चाहते हैं, नए तरीके से, नई टेक्नोलॉजी के साथ, वो भी जापान की टेक्नोलॉजी देश दुनिया में चर्चित है, और बढ़िया मशीनें हैं, इन मशीनों की नई की कीमत, तो नई की कीमत क्या मानी जाए? नई की कीमत तो वैसा बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, जैसे इंडिया के हिसाब से लगाएंगे ना तो लगभग 90-95 लाख से स्टार्टिंग होके और 1.5 करोड़ तक एक मशीन की कीमत है,
वही फिर बात आ गई साइज, एसी कैबिन नॉन एसी कैबिन, उस हिसाब से कीमत। तो भाई साहब बहुत ही यानी नई की मशीन की कीमत है, ये कुछ घंटे चली हुई मशीनें हैं, नई की कीमत तो आप बता रहे हैं कि 95 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ तक की है, करोड़ तक की है, लेकिन यहाँ मशीन जो है आपको 10 लाख से प्रारंभ हो सकती है। और खूब जाँचें परखें और पता हम यहाँ के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, खूब देखें, चला के देखें, ट्रेनिंग करें और बढ़िया मशीन आपको जरूर लगेगी। दोस्तों नई टेक्नोलॉजी से आप खेती किसानी करना चाहते हैं तो जरूर अजमाइश करें। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, हरियाणा के हिसार के मुंडाल गांव से, नमस्कार।